प्राउड ऑफ इंडिया के पहले एपिसोड को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरा एपिसोड एक और दिल दहला देने वाले, दिमाग को खराब कर देने वाला नए प्राउड ऑफ इंडिया के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। और आप लोगों ने अगर अभी तक प्राउड ऑफ इंडिया के पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। ओके, ये दूसरा एपिसोड शुरू करने से पहले क्या आपको एक लाइन याद है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे, तो तैयार है? तैयार है। किसने कहा था ये? जी हाँ, दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, जिन्होंने अकेले अपने दम पर बस सैनी और हथौड़ी लेके 22 सालों के अंदर एक पहाड़ को काट के उसके बीच में से रास्ता बना दिया था। दशरथ मांझी के ऊपर ये बॉलीवुड मूवी भी आई थी, आप सब ने देखा होगा। लेकिन दोस्तों अब एक नया लाइन सुनिए, हम जो एक बार ठान लेते हैं वो हम कर देते हैं, ये कहना है लोंगी भुया का। ये जो स्क्रीन पर शख्स दिख रहा है ना आपको, इनको आप कोई आम इंसान या मामूली इंसान मत समझिए, या फिर इनको कोई लेबर वगैरह मत समझिएगा, ये आपकी गलतफहमी होगी। ये है लोंगी भुया, द कैनल मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने अपने जिंदगी का 30 साल लगाकर खुद के दम पर मतलब अकेले बस कुदाल और कुल्हाड़ी से पहाड़ को काट के, जंगल काट के, जमीन खोद के 5 किलोमीटर का नहर बना डाला है। नहर को इंग्लिश में कनल बोला जाता है, और साथ में कई तालाब बना चुका है जहाँ नहर का पानी आके ठहर जाता है। अब आप में से बहुत लोग को लग रहा होगा कि दशरथ मांझी और लोंगी भुया का क्या कनेक्शन है। देखिए, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों के बीच कुछ सिमिलरिटी है। सबसे पहला सिमिलरिटी, दोनों ही दलित जाति के हैं और दोनों ही बिहार से हैं, और दोनों ही बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के आसपास के हैं, ये सिमिलरिटी है। तो दोस्तों आप लोंगी भुया की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बिहार गया से 80 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है कोठिलवा गांव, और वो गांव एकदम पहाड़ी एरिया है और जंगलों से भरा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश की पानी गांव तक नहीं आ पाता है पहाड़ों की वजह से, पहाड़ों के बीच में अटक के रह जाता है, पानी को ट्रेवल करने के लिए मतलब वो रास्ता नहीं मिलता है, वो पहाड़ उसको बीच में घेर लेता है। तो इसी वजह से गांव में पानी की दिक्कत थी, और उसी पानी की दिक्कत की वजह से ना तो गांव में कोई खेती होती थी ना कुछ, और ऐसे सूखा एरिया होने की वजह से बस वहां पे मक्के चने और अरहर की खेती होती थी, उसके सिवाय और कुछ भी खेती नहीं होती थी वहां पर। और ऊपर से गांव के सारे लोग बिलो दी पॉवर्टी लाइन थी, मतलब गरीब से भी गरीब, गरीब से भी गरीब थी वहां पे। और कोठिलवा गांव एक दलित जनजाति का गांव है, और वहां पे ऐसे भी आपको पता है सरकार का ज्यादा नजर होता नहीं है क्योंकि दलित है। वहां के लोगों का आज तक अपना पक्का मकान नहीं है, वो लोग इस टाइप के घरों में रहते हैं। गांव में कुछ भी नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है जिसके वजह से लोगों को रोजगार मिले, ना कुछ है। गांव में जितने भी मिनिमम अमीर लोग हैं वो लोग वही खेती करते हैं मक्के चने और रहर की, और उस खेती में बाकी दलित के जितने भी गांव वाले हैं वहां पे काम करके अपना रोजगार निकालते हैं, और कोई कोई लोग अपना पशुपालन भी करते हैं। उसके सिवा गांव में और कुछ भी नहीं है, नौकरी चाकरी ऐसे भूल जाइए आप। और इससे भी डेंजरस बात यह है, पूरे गांव माओइस्टों से भरा हुआ है। अब माओइस्ट तो समझते होंगे ना, माओइस्ट मतलब नक्सल आतंकवादी, जिसको हम लोग नक्सलवादी भी बोल सकते हैं। और अगर आप बिहार के सरकार से पूछोगे कि उस गांव में डेवलपमेंट क्यों नहीं है आज तक, तो उनका बस एक ही बहाना है, वो गांव नक्सल एरिया से भरा हुआ है। तो आप सरकार किस बात के लिए हो? अगर आप नक्सल को हटा नहीं सकते हो, वो मामूली अनपढ़ लोग है जिनके पास बंदूक है बस, उनको अगर आप हटा नहीं सकते हो तो आप सरकार किसके लिए हो? तो आपको एक ब्रीफ मिल गया होगा कि ये कोठिलवा गांव कैसा है, उसका सिचुएशन क्या है, गरीबी कितने लेवल तक नीचे है वहाँ के, और माओवादियों से भरा हुआ है गांव। ये सबसे डेंजरस बात है जो सरकार के लिए एक बेनिफिशियल है, क्योंकि सरकार को एक मौका मिल जाता है बोलने के लिए, एक बहाना मिल जाता है कि नक्सल की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सरकार किस बात के लिए हो भाई? आप बोलना चाह रहे हो कि नक्सल आपसे ज्यादा पावरफुल है? इन्हीं सब कारणों की वजह से कोठिलवा गांव के नौजवान बूढ़े सारे लोग गांव से पलायन करते थे शहर की ओर रोजगार की खातिर, और गांव के बहुत सारे फैमिली तो ऐसी थी जो फैमिली की फैमिली ही गांव से निकल गए शहर की ओर एक अच्छी जीवन की कल्पना में। कोठिलवा एक ऐसी गाँव जहाँ कोई रोजगार नहीं, जहाँ कोई उम्मीद नहीं, जहाँ सरकार की नजर तक नहीं है, जो गांव नक्सलों से भरा हुआ है, इतनी गरीबी, इतनी दिक्कतों के बावजूद कुछ पागल होते हैं। जी हाँ, मैं सच में बोल रहा हूँ, कुछ पागल लोग होते हैं जो इस परिस्थितियों से भी हार नहीं मानते, जहाँ 100 में से 99 हार मान के या तो शहर की ओर भाग जाएंगे या तो कुछ सुसाइडी कर लेंगे। ऐसे लोग अकेले रहने के बावजूद कभी अपना उम्मीद नहीं खोते ये लोग, और आगे जाके यही पागल पूरे दुनिया को अपने कदमों के नीचे झुका देते हैं। वो एक कहावत है ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो यही पर एंट्री होती है हमारा आज का प्राउड ऑफ इंडिया का सुपर हीरो लोंगी भुया का। देखिए, लोंगी भुया एक दलित जनजाति से है, उनका एजुकेशन जीरो है,
उनका 4 बच्चे हैं, उनके भी 3 बच्चे शहर की ओर पलायन कर चुके थे, 1 बच्चे उनके घर में ही थे और उनका रोजगार कुछ भी नहीं है। अगर उनको काम मिले तो दूसरों के खेतों में काम मिलता है, उससे 1-2 पैसा कमा लेते हैं और उनका कुछ बकरिया है जिसका दूध बेच के थोड़ा बहुत पैसा वो कमा लेते थे। और लोंगी भैया इस मकान में रहते हैं और आज भी यही रहते हैं। उनके मकान में कोई उनका अपना पर्सनल टॉयलेट नहीं है, मतलब बाथरूम नहीं है, उनके लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है बताइए। और इनका कोई अपना जमीन भी नहीं है जहाँ वो खेती कर सके। नॉर्मली यही लोंगी भैया जी का एक छोटा सा बायोडाटा है, अगर लोंगी भैया जी ये महान काम नहीं करते तो वही पॉपुलेशन की गिनती में आ जाते। वो भी गांव के सारे लोग भाग रहे थे अपना पेट और अपने फैमिली के बारे में सोच के शहर की और पैसा कमाने के लिए, रोजगार के लिए। तो इस आदमी को लगा नहीं ये गलत हो रहा है, इसको रोकना होगा, क्योंकि लोंगी भैया को गांव से प्यार था। उनको लगता था कि गांव के लोग गांव में ही रहना चाहिए, तभी गांव का डेवलपमेंट हो सकता है। गांव के लोग ही अगर शहर भाग जाएंगे तो गांव का क्या हाल होगा। एक कहानी है हकीम, इसे सब परदेश जाल थी, परदेश जाल थी तो हम कल के हम परदेश घर ही बना ले, हम घर बना ले सर यही ना, हम ओखन ओखन जाती पैसा कमाते हम सब देने चाउर धान इधर हम देशे में करके हम दिखा दे ओखन के बराबर। तो यानी ये कह रहे हैं कि लोग प्रदेश चले जाते थे, गांव छोड़कर पलायन कर जाते थे, यहाँ रोजगार का अभाव था। हाँ। लेकिन आपने फैसला किया हाँ। कि नहीं, आप अपना गांव अपनी धरती छोड़कर नहीं जाएंगे हाँ। और यही रोजगार करेंगे, यही रोजगार करेंगे, यही नौकरी कर, हम यही नौकरी कर करेंगे, यही नौकरी करेंगे कि सर हम सर सब बाल बच्चा के यही पालेंगे, जब किसान के पानी देवे तब ना किसान से मांगे जी भाई। तो लोंगी भैया के दिमाग में आया गांव में अगर मक्के चने इनके सिवाय अगर इसमें धान और गेहूं ये सब की खेती हो तो गांव में रोजगार पैदा हो सकता है। लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि गांव तो सूखा है, वहाँ पे पानी नहीं आता है, पानी की बहुत किल्लतें हैं और सूखे एरिया में धान होगा ये इम्पोसिबल है। तो एक दिन क्या हुआ, लोंगी भैया अपने बकरियों को चराने के लिए पहाड़ की ओर ले जा रहा था, लेकिन उनके दिमाग में तो हमेशा वही था कि गांव में कैसे रोजगार पैदा करे। तो चलते चलते उनके दिमाग में अचानक आया अगर गांव में पानी आ जाए तो ये समस्या दूर हो सकती है। 30 बरस में आके अब हाजिले में बाकी कटे से आ भाई कहीं कहीं इमरजेंसी हो जाते उन्हें लोग धा जाए डेली ना कटी आके ना मौका देखे से कटे पानी ले जाए हल देश भर अंतर देश भर उन पानी ना हल तो धान मत चलता रेंगन जाती और काटे चाहे देवे के अपना से दे देती है खुशी में दिक्कत पानी ना हल का पर इधर हजार जमीन आओ का। लेकिन अब फिर से वही बात कि कैसे आएगा पानी। तो ऐसे दिन गुजरते गया, उनके दिमाग में ख्याल आते गए और ऐसे ही फिर से एक दिन बकरी को ले जा रहे थे तो उनके वहाँ पे एक पहाड़ है जिनका नाम है बंगीठा पहाड़। तो उनके दिमाग में ख्याल आया अगर बंगीठा पहाड़ के बीच में से एक नहर जैसा बना दिया जाए और यहाँ पे गांव में बहुत सारा तालाब बना के पानी को हम संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात, बिना मशीनरी के कौन करेगा ये पहाड़ काटना, मतलब आप समझ रहे हो ना, माझी को देखे थे ना पहाड़ काट के रास्ता बनाया था, ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर है। अगर पानी गांव तक आ जाए तो पानी को हम जब एक जगह संरक्षण करके रखेंगे तो आसपास की सारी जगह पानी से मतलब गीला हो जाएगा, तब जाके गांव में धान गेहूं ये सब की खेती हो सकता है और बाकी बहुत कुछ खेती हो सकता है। और उस पानी से गांव का दिक्कत भी दूर होगा और अपनी कम्युनिटी मतलब उनके गांव के लोगों को भी बहुत सारा हेल्प होगा। उनके दिमाग में यही था, उनके अपने लिए कुछ भी नहीं था। फिर से वही बात, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के जैसा, उनके लिए अपना कुछ नहीं था कि मुझे चाहिए मेरे लिए कर रहा, ऐसा नहीं है। उनका जो आइडिया है वो उनके गांव के लिए है, गांव के लोगों के लिए है, ताकि गांव से पलायन ना हो। फिर उन्होंने गांव के बहुत सारे लोगों को रास्ते में पकड़ के आइडिया सुनाया, हम ऐसे करेंगे, पानी लाएंगे, पानी रहेगा, ये होगा वो होगा। गांव के लोग क्या बोलेंगे, आपको क्या लगता है? जी हाँ, गांव के लोगों ने बोला हद पागल, ऐसे बोला, मतलब सारे लोगों ने उनको पागल बोला, एक भी लोग नहीं थे जो उनके सपोर्ट किए थे। वो कह के थक गए कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो जाए तो गांव के लिए ही अच्छा होगा। इनको यहाँ पर एक लोगों का भी सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन इनका इंटेंशन सारे लोगों का हेल्प करने का था। घर के लिए तो क्या बोलते घर वाला की बोला है कि जो है सोने कहा झूठ के कर रहे हैं हमको जरूर चोरा चोरा कभी बजे चाहिए पानी चढ़ी जाए खिसिया जाए कि तुम मजदूरी के कोई कमाई जाए तभी नहीं दे हो या हुआरी दे हो बोझा उझा देखा हो कौन मजदूरी दे धाना देखा तभी ना मजदूरी दे हो खा ले दे हो दारू पी ले दे हो कितना चोरा खुशनामा करा हो हमारा तो कोई नहीं। हम तो आफ्टर ऑल गांव से किसी का भी हेल्प और सपोर्ट ना मिलने के बाद लोंगी भैया जी का दिमाग सनका और उन्होंने उठा लिया कुल्हाड़ी कुदाल और लोहदंड और निकल पड़े पहाड़ खोदने के लिए ताकि गांव में पानी आ सके। अब आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा खुदाई बुदाई का कुछ ही दिनों का काम होगा, वो तो कुछ ही दिनों में निपटा देंगे। तो फिर अपने गांव के बारे में जब मैंने बताया था आपने ध्यान से सुना नहीं होगा, क्योंकि उनको पहाड़ भी काटना है, जंगल भी साफ करना है और नहर बनाने के लिए मिट्टी को अंदर तक खोदना भी है। ये आपके स्क्रीन पर एक नहर का एग्जांपल है, आप देख लीजिए, इसे कहते हैं नहर, इसे बनाना है लोंगी भैया जी को। तो अब 40 साल का लोंगी भैया जी ने मन ही मन ठान लिया था कि अब साला इसको मैं करके ही छोड़ूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इसको करके ही मरूंगा या फिर कर करके ही मैं मर जाऊंगा।
हम तो चढ़ चाहे से चढ़ किसान मन थोड़ा पहुँची चाहिए कि आप किसान मन थोड़ा पहुँचिए आप किसी बाकी पहुँचा लीजिए किसान मन थोड़ा माना कर रहा से कि जहाँ से जार बखार लगे तो कौन लगे तो पैसा। तो अब क्या हुआ लोंगी भैया, हर रोज सुबह 10 बजे घर से निकलते थे अपने बकरियों को लेकर, बकरियों को चढ़ा के वो अपने काम पे लग जाते थे, पहाड़ को काटने के लिए, जंगल साफ करने के लिए, जमीन खोदने के लिए, और ये सब करके वो हर रोज शाम को घर वापस आ जाते थे। शुरुआती दिनों में कोई उनको ध्यान नहीं दे रहा था कि वो क्यों बाहर खात रहा है, क्यों ये सब कर रहा है, किसी को ध्यान नहीं किया, लोगों को लगा कि ऐसे ही कर रहा होगा। लेकिन लोंगी भैया की वाइफ गुस्सा होने लगी, उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, आपको अपना घर संभालना है, आपको अपने बच्चे को देखना है, या फिर आपको दुनियादारी ये सब करना है, आपके खुदाई करने से पानी थोड़ी आ जाएगा, इतना आसान है, आपने बोल दिया खुदाई कर लिया और पानी आ जाएगा। उनकी पत्नी उनको बोल रही थी, उनकी पत्नी ने उनको यहाँ तक कहा कि आप पागल तो नहीं हो चुके हो, तो वो काम के लिए हमारे पैसा गिर गया तो सर थे ने फिर ऑपरेशन यहाँ कर ली, ऑपरेशन के बाद रपेट के हम कर लिए हो गई क्या। अब पत्नी की इतने सुनने के बाद लोंगी भैया ने भी बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जंगल काटने के बाद जो सूखी लकड़ी निकलते है उसको ले जाके वो बाजार में बेचते थे, और उससे जो एक दो पैसा आते थे वो ले जाके पत्नी को दे देते थे अपने घर चलाने के लिए। और शाम को लोंगी भैया निकल जाते थे खुदाई करने, मतलब वो दिन भर जंगल काट के मार्केट में बेच के पैसा लाके पत्नी को दे के शाम को थोड़ा रेस्ट करके घर से फिर निकल जाते थे नहर खोदने के लिए। बिल्कुल सर, हम कह किया हम पहुंचा के आधा दूर हम कही क्या रोबे लग लिया हम। लेकिन लोंगी भैया को बहुत जल्द समझ में आ गया था कि रात को काम करने से कुछ भी नहीं होने वाला, एक तो काम नहीं होता है, इतना अंधेरा है उसकी वजह से, और दूसरी बात वो सबसे डेंजरस एरिया था क्योंकि वो पहाड़ों से घिरा था और नक्सली लोग ज्यादातर पहाड़ों में ही छुपे होते हैं। फिर उसके बाद लोंगी भैया ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे ये सब जंगल काट के बेचना पैसा लाना ये सब नहीं करना है, अब मुझे फुल टाइम पहाड़ काटने और जमीन खोदने के लिए। उन्होंने हर चीज सेक्रीफाइस करके अब फुल टाइम लग गया पहाड़ काटने जमीन खोदने के लिए। पहाड़ में से कौन पहाड़ है? ये पहाड़ है, दंगठा पहाड़ है, बरसात में सालों भर रहा है पानी चला है। अब जब कुछ दिन बीत गया, कुछ महीने बीत गया, थोड़ा सा साफ साफ दिखने लगा, जंगल थोड़ा गायब होने लगा, जमीन खुदा हुआ दिखने लगा, तो लोगों के नजर में आने लगा गांव वालों का। तो गांव वालों ने सोचा ये क्या कर रहा है, पागल पागल हो गया है क्या। इवन उनके घर वालों ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया, घर वालों को लगता था कि ये पागल हो चुके हैं और इनको किसी ने कुछ तंत्र मंत्र किया होगा, मतलब ये किसी भूत प्रेत से पोजेस हो गए होंगे। लेकिन जब साल बीतते गया तो लोग थोड़ा हैरान होना शुरू हो रहे थे कि ये मतलब अभी भी काम कर रहा है ये, क्योंकि वो जहाँ खुदाई कर रहे थे, जंगल काट रहे थे, पहाड़ काट रहे थे, ये सब की आसपास से लोग रोज गुजरते थे, तो लोगों को लगा इतना बरसों तक कौन करता है ये सब, कौन ऐसा पागल इंसान हो सकता है, वो भी बेमतलब का लोगों को लगता था, वो भी सिर्फ एक कुल्हाड़ी, एक कुडल और एक लोहडन से। लोग कुछ भी बोले, उनके घर में जितना भी कुछ बोले, पागल बोले, मतलब कुछ भी वर्ड हो उनके लैंग्वेज में जो भी बोले उनको, वो उनके कान में ऐसे घुसता नहीं था, उनको कुछ रिएक्शन होता ही नहीं था। फिर से सुबह होता है, कुल्हाड़ी निकलते हैं, लोडन निकलते हैं, निकल के वो निकल जाते हैं अपने काम के लिए। वो अपने काम में पूरा लेजर लाइट फोकस्ड है, मतलब आपको याद होगा अर्जुन की चिड़िया की आंख जैसा उनका लेजर लाइट फोकस्ड था कि मुझे ये करना है, मतलब करना है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उनको उनको बस दिख गया था ये नहर बनना बहुत जरूरी है। लेकिन उनकी पत्नी उनसे तंग आ चुके थे, अब उन्होंने ठान लिया था अब इनको खाना नहीं दिया जाएगा घर से। जोर से बोलो, जोर से बोला ना। जोर से तो बोला थे, जंगल ये क्या है, पखर कोई बीत देता हो तब मारे कहा ना, सबसे को ठेलवा लुटवा असरा सबसे कहते कहा चाचा को पेटा से खोला ना, जल से पुरवा जा रहे मत नहर खाने जा रहा है समझ के ना, से लबार जाने का खोला ना दे। मतलब पहाड़ काटते थे इसलिए, इसलिए आप इन्हें खाना नहीं देती थी खाने के लिए। काहे बंद हो जाता था खाना, काहे बाल बच्चा के कच्चे खाइए घाट में रहते दिन खिया के रखे है तब बंद ना कर दिया। मतलब उनका खाना बंद हो चुका था घर से, तो उन्होंने क्या किया, जब घर से खाना बंद हो गया, वो जहाँ खुदाई करते थे उसके आसपास के जितने भी घर होते थे वहां जाके वो भीख मांगते थे खाने के लिए, और धीरे 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 रोज ऐसे थोड़ी को देते रहेगा, आज की डेट में कोई नहीं देगा, लोगों को भी लगने लगा ये साला पागल रोज ऐसे खुदाई कर रहा आगे हमारे यहाँ खा रहा है बेमतलब का। तो लोगों ने भी उनको खाना देना बंद कर दिया, उनके पास अब कोई चारा नहीं है। उन्होंने क्या किया उसके बाद, उन्होंने घास पत्ता ये सब खा के काम करने लगा। घरों खाना बंद कर घर से खाना मिलना बूटी खा लिए ये अपनी स्थानीय भाषा में बोल रहे हैं जी। हाँ। हम अनुवाद कर दें हाँ। कि आप जब पहाड़ काट रहे थे तो आपकी पत्नी ने आपको घर में खाना देना बंद कर दिया। हाँ, बंद कर मना करती हाँ, थी कि जंगल काम करने में नहीं
तो सर वो है कम में छर कम वाले से तो थोड़ा सोचिए थोड़ा। एक इंसान इंसान है वो जानवर नहीं है, जो घास खा रहा है पत्ता खा रहा है किस वजह से? अपने गांव के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, उनको मदद मिले। कौन है वो जो स्कूल नहीं गए कभी? क्या आपके दिमाग में ऐसा कभी सोच आता है दूसरों के लिए कि आप अपना हर चीज, अपना घर, फैमिली, बच्चे, अपना करियर, हर चीज आप सेक्रीफाइस करके दूसरे के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, घास पत्ता खा रहे हो आप दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं? आजकल तो लोग अपने लिए इतना मेहनत नहीं करते, दूसरों के लिए तो भूल जाइए। अब जब लोंगी भैया का ये प्रोसेस चलते गया मतलब साल दर साल जब बीतते गया तो लोगों को दूर से एक नहर तक दिखने लगा, मतलब कुछ एक गड्ढा सा हो रहा है, थोड़ा जगह साफ हो रहा है, ये सब लोगों को दिखने लगा, उनका मेहनत का फल थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। लेकिन फिर भी लोगों ने उनको सीरियसली नहीं लिया था। लोगों को लगा अगर बन भी जाए तो पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में इतना आइडिया नहीं था कि लोंगी भैया क्या सोच रहे थे। लोग आज का देख रहे थे कि आज क्या हो रहा है, लेकिन लोंगी भैया के दिमाग में वो फ्यूचर था, उनको फ्यूचर दिख रहा था कि पानी आएगा ही आएगा इधर से। लेकिन उस टाइम जब गांव वालों को ये सब दिखने लगा तो गांव के कई लोग उनके पास आते थे और बोलते थे हम भी कल आके आपके साथ ज्वाइन करेंगे और आपको मदद करेंगे। लेकिन लोंगी भैया कहते हैं अपने इंटरव्यू में अभी उनको हेल्प करने कोई भी नहीं आया, बस आके एक दिन दिलासा दे जाते थे और दूसरे दिन से वो इंसान गायब। लेकिन लोंगी भैया को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आए तो आए, नहीं आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने सालों से मैं अकेले ही कर रहा हूँ और मैं आगे भी करते रहूंगा। अभी तो देख रहा हूँ कितना अंदाज चल, कितना मीटर है, कितना दिन का काम है, अगवाड़ी तो हम कैसे कह दिए, अपना ही ना अंदाज करके कर रहा हूँ। हम तो हमारे नाना लिया जम पटवारी लगा पाखल का लगो लिए लगो लिए लगो लिए पाखल के। रोज काम करते गए, सुबह होते गए, रात होते गए, काम करते गए, इतने नक्सली एरिया में वो नहीं डर के, जो सरकार बहाना मारता है कि नक्सली एरिया की वजह से हमने काम नहीं कर पाया, वहाँ पे डेवलप नहीं कर पाया आज तक, उस नक्सली एरिया में एक अनपढ़ एक अकेले इंसान ने इतना बड़ा एक काम कर दिया। सरकार अभी भी बोलता है कि नक्सलियों की वजह से हम वहाँ डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। अब आप थोड़ा सा याद करिए, लोंगी भैया जी का उम्र कितने थे जब वो खोदना शुरू किए थे? जी हाँ, 40 साल। लेकिन अब खोदते खोदते उनका उम्र हो चुका है 70 ईयर्स, 70 साल, मतलब 30 साल बीत गए, 30 साल वो खुदाई करते गए। 30 सालों के बाद उन्होंने प्रॉपर नहर भी बना डाला, तालाब भी बना डाला और वहाँ पानी भी आ चुके हैं। जब आप पहाड़ काटना शुरू किए तब आपकी उम्र क्या थी? उम्र था इधर 40 वर्ष था। 40 वर्ष की उम्र से 30 वर्ष लगा, अभी आपकी उम्र 70 वर्ष। और उन्होंने जो नहर बनाया है आपको क्या लगता है कितना लंबा होगा, कितने मतलब डिस्टेंस का होगा? 5 किलोमीटर उन्होंने खोद के काट के नहर बनाया है। आप 5 किलोमीटर वॉकिंग करके देखिए, आप अभी जहाँ हो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना दूर है। और इस झरने का पानी को आप कोठिलवा पे चढ़ाने के लिए पानी ना था पानी कोठिलवा में, तो आप इसको 5 किलोमीटर लंबा पानी मोड़े है ना, ताकि बाकी बाजार के कोठिलवा में पानी पहुँचे। और एक बात मैं बोलना भूल गया था शुरू में कि पहाड़ से उनके गांव तक पानी कैसे आएगा, इसका भी नक्शा चाहिए होता है। जो भी मतलब प्रोफेशनली काम करते हैं उनको, वो लोग टॉप व्यू से देखेंगे कि ये ऐसे ऐसे होगा, लेकिन इनके पास तो वो भी नहीं था। इन्होंने कैसे किया फिर? इन्होंने खुद से अपने एजम्पशन से कि ऐसे ऐसे हो सकता है ऐसे, मतलब उन्होंने कितना गलती किया होगा, उन्होंने गलती से इधर भी खोद दिया होगा, उधर नहीं गया, वो सब गलती का अभी तो कोई डेटा ही नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ज्यादा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, शायद आपको भी पता ही नहीं था, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चला। तो उनकी गलतियों को तो मैं साइड कर रहा हूँ, उनकी गलतियों के बारे में बात ही नहीं कर रहा, गलती तो हर कोई करेंगे। बिना नक्शा वो पहाड़ों के बीच में से, जंगल के बीच में से काट के गाँव तक ले आए, तो आप समझ सकते हो 30 साल क्यों लगा। नक्शा सब देख ले तभी से कैसे पानी से ऐसे कठिन वहाँ पर चढ़ते हैं, जैसे गहरा नहलाई कैसे सर हम चढ़ते हैं, यानी से लगे सर यानी रुकी जो है तो सर ऊँचे 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 कल के अच्छे अभी पानी कैसे घुमा के लिए ऊँचे ऊँचे कहीं जैसे सर तरह कर दें तो एक बजे सर देशों पर ध्यान मारे। बहुत लोग बोलेंगे सिर्फ 5 किलोमीटर काटने में इतना साल, अरे भाई वो 3 औजार थे उनके पास बस, जो ये थे वो 3 से आप काट के देखिए ना, वो भी पहाड़ से, पहाड़ भी काटना है आपको, जमीन भी खोदना है, तो एक सीधा स्ट्रेट लाइन थोड़ी है कि काटते करते जाएंगे। और ऊपर से उनके बॉडी का हाल देखिए, आपको पता चल गया होगा उनको क्या खाना मिलता होगा, एनर्जी क्या मिलता होगा, कितना न्यूट्रिशन मिलता होगा उनको। अब आप देखिए एक इंसान ने अपनी जिंदगी की 30 साल सेक्रीफाइस कर दिए, जो उनकी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स थे, उनका खुद का भी कुछ हो सकता था, शायद नक्सली गोली मार दे कहीं से, जंगल में सांप काट ले, जानवर खा जाए, भूख से मर जाए, पत्ता घास खा रहे थे उससे कुछ साइड इफेक्ट होके मर जाए, क्योंकि खाना तो मिल नहीं रहा था उनको। ऐसे लोगों को देख के हमें और एक लर्निंग मिलता है कि हमें खाने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहिए, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। करते करते बाबूजी का तबीयत खराब हो जाता था, तब पर भी इलाज करा कर, तब पर भी माना करते थे, नहीं मानता था,
एक बार हरनिया का बीमारी भी हो गया, 10,000 रुपया लगा इसके, तब पर भी इलाज करते हुए ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में बोले कि नहीं जाओ, से कोई ठीक नहीं है, शरीर के अंदर जो धागा होता है टूट जाएगा तो फिर कोई काम लायक नहीं रहेगा। लेकिन फाइनली हैप्पी एंडिंग यही है, 30 साल बाद उन्होंने बंगीठा पहाड़ के बीच में से नहर बना के अपने गांव तक पानी ले आए हैं। अब लोग उनके कदमों के नीचे हैं। मैं शुरुआत में क्या बोला था, दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। और उस झुकाने वाले को शुरुआती टाइम में लोग झुकाने की कोशिश करेंगे, लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव से, कि ये मत करो, ये करो, ये करो, वो करो। एक कहावत है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब लोंगी भैया ने 30 सालों की मेहनत से कनल भी बना लिया और गांव तक पानी भी ला लिया, लेकिन गांव के लोगों के सिवा किसी को पता नहीं था कि एक इंसान ने इतना बड़ा एक काम कर दिया है। इवन बिहार में ही पता नहीं था। यही सेम चीज प्राउड ऑफ इंडिया के पहले एपिसोड में भी हुआ था। अगर असम के लोकल जर्नलिस्ट जीतू कलिता अगर जादव पायंग और उनके फॉरेस्ट के बारे में आर्टिकल ना लिखते तो आज किसी को पता ही नहीं चलता कि जादव पायंग द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया नाम से भी कोई है जो इतना बड़ा एक काम कर रहा है आसाम के एक इलाके में। ठीक वैसे ही आज हमें भी पता ही नहीं चलता लोंगी भैया के बारे में, और ना जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में। और ऐसे भी ऐसे लोग किसी और को दिखाने के लिए काम नहीं करते हो, वो अपने लोगों के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। उनको मतलब नहीं है कोई अवार्ड से, कोई रिवार्ड से, कोई देखे उनको, उन सबसे कोई मतलब नहीं है उनको। बिहार का हिंदुस्तान नामक एक लोकल न्यूज़पेपर का रिपोर्टर जयप्रकाश लोंगी भैया के गांव कोठिलवा आए हुए थे एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, और उसी प्रोजेक्ट के दौरान लोंगी भैया भी वहां शामिल थे उस प्रोजेक्ट में जहां वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो जब रिपोर्टर जयप्रकाश का उस रिपोर्टिंग खत्म हुआ जो करने आए थे, उसके बाद लोंगी भैया ने उनको पीछे से जाके थोड़ा धीमी आवाज में बोला कि एक और ऐसे प्रोजेक्ट है कि आप देखना चाहोगे जिसको मैंने खुद बनाया है 30 सालों में। तो अब ऐसी बातों में कौन बिलीव करेगा, कोई आके आपको अचानक बोले कि मैं 30 सालों से अकेले एक नहर बनाया हूँ, आप आके देखिए। तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ, मतलब जो रिपोर्टर थे, तो उन्होंने बोला दिखाइए मुझे। तब रिपोर्टर ने अपना बाइक निकाला और पीछे बैठा लोंगी भैया, फिर बोला उन्होंने चलिए आपको दिखाते अंदर। रास्ता कैसा है ये आप देख सकते हैं ऐसे। हाँ इधर नीचे उतरे। हाँ। रोक दिया आपने। रोक दें। हाँ अब हम पहुंच गए हैं उस जगह पर। पहाड़ी तक जो हमा से पानी ढोकली सू तो हमारा। अच्छा शुरू आपने उधर से किया। हाँ हमा से करे हूँ इसके। अच्छा उधर से शुरू किए। हाँ से हमा लगे हो कोना में। अच्छा वो कोना में से फिर एने घिरो लिए हैं यहाँ, मतलब उस कोने से काटने की शुरुआत किए। हाँ से हमा लगे वो परास बाढ़ का परास रोकी चाहे और ऊपर से जो है सो हाँ, लेते हुए फिर घिरो लिए। फिर घुला तो कर है फिर जम में जम हमें ये पानी सामने आया है। हाँ ये सब हाँ ढोको लिए। हाँ यह अच्छा यही रास्ता आप काटे हैं। हाँ, ये सारा आपके आपने काटा है ये। हाँ, सब हाँ, हाँ। अच्छा ये छोटा कटा हुआ है ऊपर। हाँ, पहाड़ लंबा है बड़ा। हाँ, है। हाँ, हाँ। आइए चलते हैं, चलिए बढ़ते चलिए। उधर से चलना था इधर इधर पानी। हाँ अच्छा ऊपर से चले। हाँ, ये नहर का पेट हो गया। हाँ, हाँ, ये जो भी दीवाले हैं अगल बगल की। हाँ, हाँ, ये सब आपने काटा है। हाँ, आपने काटे। हाँ, हाँ, अच्छा और आगे ऊपर में बड़ा आपने काटा। हाँ, हाँ, जब रिपोर्टर ने देखा उनका होशो हवास उड़ गया कि सच में ये क्या है। फिर उन्होंने आसपास के गांव वालों सबसे डिस्कस किया, सबसे बातचीत किया, सबने कहा हाँ इन्होंने बनाया है 30 सालों में। हमारे साथ भुइया जी के ग्रामीण है संजय पासवान जी, आप नाम बताए। जी संजय। संजय जी कितने साल 30 साल पहले शुरू किए थे ये पहाड़ काटना, आप लोगों को कब पता चला? पता चला सर कि मेहनत कर रहे थे और फिर कहते थे जाके कि कम से कम चल के गांव वाला देख लो हमारा क्या काम है क्या। अच्छा, गांव वाले देखने भी नहीं आते नहीं थे, आते थे घर घर जाके कहते थे कि चल के कम से कम हमको काम तो देख लो तू लोग ना, नहीं खटो लेकिन देख तो लो। गांव वाले लोग पागल समझते थे कि कहते थे कि तेरा का बुझा रहा है तू पागल है तो सब हम लोग भी पागल हैं, पहाड़िया खाने से पथवा काटे से का हो जाएगा पानी हो जाएगा ये सब बोलते थे गांव वाले। अच्छा गांव में समस्याएं क्या क्या थी पानी की? पानी की बहुत अभाव था सर की, कुछ जहाँ कहीं जानवर पानी बिना मर जाते थे, आदमी का बहुत दिक्कत रहता था। लौंगी मांझी जी ने जब खाने जब पानी खोदे उस दिन से आहरा बांधे तब से बहुत पानी का यहाँ अधिक बढ़ गया। अच्छा फायदा किस चीज में हुआ, खेती के काम के लिए पानी आया या फिर जानवरों के लिए आया? जानवर के लिए भी आया, फिर
आदमी के लिए भी अति हुआ, लेयर जो बढ़ गया से गृहस्थी करने लगे उससे, और पानी अहरा में भी गिर गया है। तो आप लोगों को कब पता चला, चूंकि 30 वर्ष लंबा समय होता है, तो आप लोगों को कब पता चला, 8 साल बाद 10 साल बाद, कब आप लोगों ने इनको सीरियसली लेना शुरू किया? सीरियसली हम लोग इधर 8-10 साल पहले ही जब पानी का जब लेयर आ गया, जब पानी गिरा दिए अहरा में, तब हम लोग को पता चला कि लौंगी मांझी जी ने बहुत। यानी पानी कब गिरा पहली बार, कितने साल पहले? ये 2-4 साल पहले अहरा में गिरा था। तो 2-4 साल पहले आप लोगों को जानकारी मिली जी, तब जाके उनको बिलीव हुआ हाँ ये लोंगी भैया ने ही अकेले किया है 30 सालों में। तब जाके नेक्स्ट डे 3 सितंबर 2020 को जयप्रकाश ने हिंदुस्तान नामक न्यूज़पेपर में उनका वो रिपोर्ट पब्लिश कर दिया, और पब्लिश करते ही उनका रिपोर्ट वायरल हो गया। बिहार में तो हुआ ही, बिहार के बाहर भी ऑल ओवर इंडिया में वायरल हो गया। मतलब लोंगी भैया यानी कर्नल मैन ऑफ इंडिया को डिस्कवर करने के लिए जयप्रकाश जी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो नहीं होते तो वो ऐसे ही रह जाते और आज किसी को पता ना चलता। और रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद कई लोगों ने उनको कई तरह तरह के नाम दिए, कोई बोला कि वो वाटरमैन है, लेकिन जो मेजोरिटी लोगों ने उनको नाम दिया वो था कर्नल मैन ऑफ इंडिया। और लोंगी भैया ने जो कर्नल बनाया है 30 सालों में, उनके गांव वालों ने उस कर्नल का नाम रख दिया है लोंगी बांध। कम से कम गांव वालों ने ये तो कुछ अच्छा किया है। गांव वालों ने उनका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन गांव वालों ने उनको उनका क्रेडिट जरूर दिया है। अब जब लोंगी भैया का रिपोर्ट हर तरफ पब्लिश हो रहा था, तो हर तरफ के लोग उनके आके सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे और ज्यादा जानना चाह रहे थे। उसी में से एक गए थे इंडिपेंडेंट गांव कनेक्शन मीडिया हाउस, जो ऐसे ही गांव के चीजों को कवर करते ज्यादातर। और उसी गांव कनेक्शन की रिपोर्टिंग में जर्नलिस्ट ने लोंगी भैया जी से पूछा कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपने इतना बड़ा काम कर दिया तो आपको सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए? तब लोंगी भैया ने कहा कि हमारे घर में शौचालय नहीं है तो उसको बना दे और मुझे एक ट्रैक्टर दिला दे। अभी आपका क्या मांग है सरकार से? बस ट्रैक्टर। तब रिपोर्टर ने उनको फिर से कहा, आपने इतना बड़ा काम कर दिया, आपको कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए सरकार से? तब लोंगी भैया ने कहा कि पैसा मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन मुझे ट्रैक्टर पहले दिला दे और कुछ नहीं। वही घर मकान अपना बना दे। पैसा वैसा नहीं चाहिए सरकार से, इतना बड़ा काम किए तो पैसा भी चाहिए। लेकिन अभी आपको खाली एक ट्रैक्टर का जरूरत मेन। और ये बात सुनते ही उनके छोटी बहू सुनैना देवी ताना मार के लोंगी भैया जी को बोलते हैं, अभी भी ये बूढ़ा वो पक्का मकान नहीं मांग रहा है, कैसा आदमी है ये, रुपया पैसा भी मांगी है सरकार से। ये उनके छोटी बहू बोलती है लोंगी भैया जी को ताना मार के रिपोर्टर के सामने। अभी आप सोचिए उनको ट्रैक्टर क्यों चाहिए, उनका तो कोई जमीन भी नहीं है खेती करने के लिए। उनको ट्रैक्टर इसीलिए चाहिए ताकि वो जो नहर बना के कम्प्लीट किया उसको और आगे बढ़ाने का उनको प्लानिंग है, ताकि ट्रैक्टर से उनको आप थोड़ा जल्दी से हेल्प मिलेगा, क्योंकि अब उनका उम्र भी हो चुका है 70 इयर्स की हो चुके हैं, और 70 इयर्स में कैसा हेल्थ होता है कैसा क्या होता है आपको सब पता ही है। तो अगर ट्रैक्टर उनको मिल जाए तो उनको एक बहुत बड़ी हेल्प होगी, इसीलिए उन्होंने एक ट्रैक्टर मांगा सरकार से। अब जब हिंदुस्तान और गांव कनेक्शन का दोनों का रिपोर्ट पब्लिश हो चुके थे, इवन गांव कनेक्शन ने तो एक वीडियो भी डाला है उनके यूट्यूब चैनल पर, ये है वो वीडियो, आप जाके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और उसके बाद मानो कोठिलवा गांव, वो गांव मानो एक हॉटस्पॉट बन चुका था सारे रिपोर्टर के लिए, सारे यूट्यूबर्स के लिए, सारे ब्लॉगर्स के लिए, कि जाके पूछे कैसे क्या बने। और उसी वक्त बिहार के सोए हुए सरकार को भी मतलब आंख खुली थोड़ा सा, कि उनको भी एक मौका मिला कि जाके उनको फूल माला पहनाए, उनको थोड़ा झूठे प्रॉमिस करे, कागजी कुछ प्रॉमिस करके दिखाए उनको। तो एज यूजुअल मंत्री भी गए, एमएलए भी गए, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। सरकार बस एक माला पहना के आ गया, झूठी दिलासा देके आ गया कागजों में कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरा दुनिया आपके कदमों में झुका देंगे, ऐसे फालतू बात है, सरकार कुछ भी नहीं करेगी, सबको पता है। लेकिन उनको ट्रैक्टर चाहिए, ये बात जब हमारे आनंद महिंद्रा जी को पता चला, उन्होंने तुरंत नेक्स्ट डे उनके लिए एक ट्रैक्टर गिफ्ट कर दिया है। तो उनका खुशियों का ठिकाना नहीं रहा लोंगी भैया जी का। उन्होंने कहा कि उनका एक बरसों का एक सपना पूरा हो गया कि उनको ट्रैक्टर मिल गया, मतलब खोदा नहर तो मिला ट्रैक्टर, मतलब इस टाइप का उनका एक सिचुएशन था अंदर से मतलब। लेकिन याद करें, उन्होंने मांगा था सरकार से, सरकार बस माला पहना के आ गई, कागजों में झूठी बातें दिलवा के आ गया, लेकिन गिफ्ट किसने किया, आनंद महिंद्र जी ने। और साथ ही हमारे मैनकाइंड फार्मा ने भी उनको 1,00,000 रुपए गिफ्ट किए है। यही वो ट्रैक्टर है जो आनंद महिंद्र जी दिए थे। जिस गांव वालों ने उनका कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई हेल्प नहीं किया, उनको हमेशा इग्नोर किया, हमेशा उनको पागल समझा, मतलब उनको पागल कुत्ता जैसा ही समझा उनको, वो गांव वाले आज उनके नाम के साथ अपना नाम जोड़ के कोई ना कोई संबंध बना लेते हैं, कोई ना कोई रिलेशन बना लेते हैं लोंगी भैया जी के साथ। मतलब पूरे गांव वाले आज उनके ऊपर प्राउड है, और पूरे गांव वाले आज उनके बनाए हुए नहर के पानी से, जो तालाब में पानी जमा होते हैं, उस पानी का इस्तेमाल करते हैं, उस पानी में अपना गाय भैंस सबको नहाते हैं, खुद भी इस्तेमाल करते हैं अपने घरेलू कामों के लिए, बच्चे खेलते हैं वहां पर, वहां पर
मछलियों का पालन होता है जो बेच के वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट धान की खेती भी अब होने लगी है। मतलब लोंगे भैया जी ने जो जो कहा था सब सच तो हो गया। इवन उनकी बनाई हुई नहर के पानी की वजह से, उनके तालाब की वजह से आसपास की 3 गांव को भी पानी मिल चुके हैं आज की डेट में। लेकिन लोंगे भैया ने तालाब पर कपड़े धोने के लिए मना कर रखा है सख्त से सख्त, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके तालाब प्रदूषित हो जाए, मतलब पोल्यूटेड हो जाए। मतलब एक अनपढ़ इंसान को भी इतना नॉलेज है, लेकिन पढ़े लिखे इंसानों को इतना नॉलेज नहीं होता है आज की डेट में। इवन लोंगे भैया ने उस तालाब में जो मछली पालन होते हैं उनके लिए भी कोई रोक टोक नहीं लगाया है, कोई भी पाल सकते, कोई भी उससे पैसा इनकम कर सकते हैं। जबकि वो बोल सकते थे कि ये मैंने बनाया है, बस इसमें मैं ही सब करूंगा, इसका पानी मैं ही यूज करूंगा, लेकिन उनका काम था यूनिवर्सल, सबके लिए था। उन्होंने उनके लिए नहीं किया है, वो सेल्फिश नहीं थे, वो सेल्फलेस थे। और हाँ, उनका पत्नी रामटेरे देवी जिन्होंने उनको खाना नहीं दिया था उस टाइम, जिसके वजह से उनको खास पत्ती ये सब खा के जिंदा रहना पड़ा, वो अब कहती है कि उनके पति ने, मतलब लोंगे भैया जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जिनकी वजह से आज उनको प्राउड फील होते हैं। आज की डेट में लोंगे भैया को उनके गांव वाले लोंगी मांझी भी बोलते हैं, मतलब दशरथ मांझी का दूसरा रूप है वो। और इसी बात को लेकर गांव कनेक्शन का जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने उनको पूछा कि लोग जब आपको दशरथ मांझी के साथ तुलना करते हैं तो आपको कैसा फील होता है। तब लोंगे भैया जी कहते हैं कि हम कभी दशरथ मांझी से मिले नहीं है, बस उनका नाम सुने हैं, और जब वो दशरथ मांझी पहाड़ काट रहे होंगे तब हम इधर मिट्टी खोद रहे होंगे। फिर लोंगे भैया जी कहते हैं कि आज पूरे गांव वाले हमें लोंगी मांझी करके बुलाते हैं। फिर हम भी कह देते हैं हाँ है हम दूसरा दशरथ मांझी, आप किस किस को समझाते फिरे। ये लोंगे भैया जी का कहना था जर्नलिस्ट को। अब लोंगे भैया जी का इतने 30 साल का लंबा एक स्ट्रगलिंग जो समय, उनका जो पीरियड है, उसको अगर मुझे एक लाइन में सिमटना है कि उनका स्टोरी को मैं अगर एक लाइन में कैसे सिमटू, तो मैं ग्रीक फिलोसोफर और हिस्टोरियन प्लूटार्क की एक लाइन आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। प्लूटार्क ने वाइसली कहा था कि इट इज पार्ट ऑफ ए गुड मैन टू डू ग्रेट एंड नोबल डीड्स डो ही रिस्क एवरीथिंग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको द कर्नल मैन ऑफ इंडिया लोंगे भैया जी का ये स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर किया होगा, बहुत मोटिवेटेड किया होगा। तो तब तक के लिए आप मेरा ये दोनों वीडियो देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।